मेरे मामा साहब की लड़की आई हुई थी, वो होली पे नहीं आई थी, तो मैं उसको छोड़ने जा रही थी बाहर। मैं जैसे ही अपने घर से टर्न किया, फिर आगे क्या हुआ? फिर एक साइड में रूपा थी, एक साइड में पलक थी, और उल्टी साइड में ना। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राज कल के आज के नए ब्लॉग में। और आज हमारे घर इको में बनाने वाले हैं, जैसे पिछले रूपा भाई साहब आज आने वाले हैं, उनकी एक क्यूट सी छोटी सी बेटी भी है और वो दोनों आज आने वाले हैं। तो अभी तो सुबह हुई है, तो अभी तो मैं टिफिन वगैरह तैयार करने के लग जाती हूँ, क्योंकि टिफिन वगैरह तैयार करके फिर नहा धो के गणगौर पूजना है, और फिर उनके आने के बाद हमारा कहीं और जाने का प्लान भी है उनको साथ लेके। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो फिलहाल तो मैं जाके टिफिन तैयार कर देती हूँ। और आज मुझे वो सब्जियाँ कल रख के रखी थी, लास्ट मतलब व्लॉग में दिखाया था कि हम जब जा रहे थे तो सब्जियों का मार्केट लगना स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ से हमने सब्जी वगैरह भी ली थी। तो सब्जियाँ वगैरह अभी ऐसी ही रखी है, तो टोकरी में शिफ्ट करना है उनको, अच्छे से मतलब एडजस्ट करना है उस टोकरी में। तो वो साफ़ सफाई भी अभी मुझे करनी है, पहले मैं टिफिन वगैरह तैयार कर देती हूँ, फिर वो कर देती हूँ, और उसके बाद में नहा धो के गणगौर पूजेंगे। और मुझे लगता है भाई साहब तब तक आ जाएंगे, मेरे हस्बैंड गए हैं उनको लेने, तो थोड़ी देर में आने वाले होंगे, मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। कि मैं हो गई हूँ रेडी, तो अभी पूछ रहे थे गणगौर, और थोड़ी सी जल्दबाजी है क्योंकि भाभी साहब कहीं जाना है, तो फटाफट से गणगौर पूछने जाते हैं। गणगौर पूजी जाती है धूप से, तो पहले धूप को ऐसे तोड़ के तैयार कर लेते गणगौर पूजने के लिए। चूड़ा इस चूड़ा।
मुझे राज ने मैं पूछा सुना कंड ने दीपरा जाने की तुम्हारे सुना आ गए हैं और मैंने उस मोमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पैसा को थोड़ा पसंद नहीं है मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करवाना सोशल मीडिया पे अपलोड करना वगैरह, तो उनकी भावना का सम्मान करते हुए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, कुछ भी मोमेंट वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया, तो कोई बात नहीं। और अभी के लिए मैं खाना वगैरह बनाना है तो मैं सोच रही हूँ ड्रेस वगैरह चेंज कर लूँ क्योंकि इसमें बहुत गर्मी लग रही है, ड्रेस वगैरह चेंज करके अभी मैं लग जाती हूँ खाना बनाने और फिर हमें निकलना है मैसा के जाने। अभी हम जा रहे हैं मायसा की मतलब मेरे मासी सास के घर, उसके लिए कैब अभी कर लिया है तो निकलेंगे बस थोड़ी देर में जब तक कैब आ जाए। हम जा रहे थे मायसा के, ड्रेस वगैरह चेंज की, इतना सब कुछ किया और लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया। प्लान किया मतलब ऑलमोस्ट हमारी कैब भी कर ली थी हमने, फिर हमें पता चला वहाँ घर पर कोई नहीं है तो हम जाके करेंगे क्या, फिर से ड्रेस चेंज आ जाए ना। इतनी बार मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, दो बार खेलो एक साथ। क्या नाम है? इशु भाईसा। अके हाथ तो मिला तो ओकी हेलो कर दो। हेलो इशु, हेलो कर लो। हेलो अक्की की नींद ही कौन उठी आप देख। आज एक इंसिडेंट होते होते बचा, मतलब इंसिडेंट ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो मोनू भाईसा जा रहे थे, रूपा भाईसा जो आए थे ना तो उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे थे, उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक मोनू भाईसा से मुझे कहलवाना चाहिए। मोनू भाईसा के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे मामोसा की लड़की आई हुई थी, वो होली पे नहीं आई थी तो मैं उसको छोड़ने जा रही थी बाहर, यहाँ पे घर पे कैब नहीं हो रही थी और बाहर मेन रोड थी तो सोचा वहाँ से ऑटो भी मिल जाएगा या कैब हो जाएगी। तो मैं जैसे ही अपने घर से टर्न किया, मार्केट की तो बात छोड़ो, आजकल तो मतलब गली में भी अगर ऐसा हो रहा है, हमारे पास की गली, हमारी जो गली है उसी में ऐसा हो रहा है तो कुछ कह नहीं सकते आजकल के टाइम का। तो ये निकले थे मोनू भाईसा, रूपा भाईसा, पलक भाईसा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक साइड में रूपा थी, एक साइड में पलक थी और बीच साइड में ना, हाँ, और बीच में मैं थी। तो मैं अपने हाथ को, फिर मैं जैसे ही रोड की तरफ गई तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब एकदम से तीनों के तीनों हक्के बक्के रह गए थे कि मतलब लास्ट मोमेंट पे समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या। तो हुआ ऐसा इनके साथ कि मैं अचानक से एक पीछे से लड़का आया, जैसे मैं फ़ोन चला रही थी मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया उसने, और पीछे मतलब इतनी स्पीड से उसने बाइक चलाई ना, पीछे मुड़ के देखा एक बार तो फिर इतनी स्पीड से उसने बाइक चलाई। लेकिन थैंक गॉड कि हजारों का नुकसान होते होते बच गया हमारा। वो इसलिए क्योंकि वो ना उसके हाथ में फोन नहीं आया था, आधा फोन उसके हाथ में था, थोड़ा मेरे था तो उसके हाथ से फिसल गया था। हाँ, वो इन दोनों के बीच में गिर गया और बाइक उसके साइड नहीं जाके वो मेरी साइड गिर गया था। और फिर वो रुका नहीं, ना मैंने उसकी गाड़ी के नंबर नोट किए, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। लास्ट ऐसे मोमेंट पे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करें, कि गाड़ी का नंबर नोट करें या चिल्लाए उस पे, नंबर नोट करें या चिल्लाए उस पे, या मतलब किसी को हेल्प के लिए पुकारें, ऐसा कुछ भी लास्ट मोमेंट समझ नहीं आता। क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे उस टाइम, मतलब धूप भी रहती है, लोग भी कम ही रहते हैं उस टाइम। सो अगर आप भी रोड साइड में, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप ही की गली है, आप ही का एरिया है, तो अगर आप ऐसे फोन लेके जा रहे हो, फोन चलाते चलाते अपन अगर अक्सर फोन चलाते हैं, फोन को बिल्कुल भी ऐसे यूज तो बिल्कुल भी मत पकड़ो। फोन को बाहर मार्केट में भी जा रहे हो आप, गली में सेफ नहीं हो तो मार्केट में कैसे सेफ हो सकते हो। और मार्केट से छोड़ो, आप गली में भी पूरी सतर्कता के साथ रहें
और हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट होते होते बचा है, तो हमने सोचा वी शुड अवेयर यू ऑल्सो, तो आप ही आगे से ध्यान रखें और हम तो ध्यान रखेंगे रखेंगे, हमारे साथ हो गया। और इनकी तो मतलब तीनों के तीनों वाइब्रेशन तो मोड़ पे चले गए थे तीनों के तीनों, लेकिन वो है कि बस बच गए। आज मोनू भाई साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ, उनकी जगह कोई भी हो सकता है, उनकी जगह मैं हूँ या आप हूँ, ऐसा इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। अगर बाहर हम जा रहे हैं, कोई मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं या ज्वेलरी पहन रखी, इतने स्नैचर्स घूमते हैं गली में, मार्केट में की तो बात छोड़ो, गलियों में भी अगर ऐसा हो रहा है तो वी ऑल्सो बी अवेयर। सो अगर मैं आपको मतलब एक मैसेज मेरे लिए भी है कि हम भी आगे से ध्यान रखें और आप भी आगे से ध्यान रखें कि बाहर अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा मोबाइल या तो ज़रूरी है तो यूज़ करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कह रही कि मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ भी करना हो तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ मतलब थोड़ा सा टाइट होल्ड करके रखें उसे, और क्योंकि उनको जो स्नैचर्स होते हैं उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम चलते हैं पैदल, उनके पास बाइक वगैरह कोई ना कोई व्हीकल होता है तो उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और मतलब कुछ सेकंड्स में ये काम हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, उनके गाड़ी के नंबर नोट करें या किसी से हेल्प मांगें, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता, जब तक कुछ समझ में आता है तब तक वो स्नैचर भाग चुका होता है। तो मेरा यही मैसेज है सभी को, मैसेज नहीं कह सकती, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी अपनी जो भी कीमती सामान है, जो भी मोबाइल ज्वेलरी जो भी है, वो थोड़ा सा संभाल कर चले गली में मोहल्ले में और मार्केट में। और मेरा ये आज का मैं व्लॉग इसी मैसेज के साथ समाप्त करती हूँ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।